हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, हम स्टूडियो में एसएससी के एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो आपने पीछे फॉर्म फिलअप किए होंगे दोस्तों, जिसमें आपकी कैंटीन अटेंडेंट की अलग से पोस्ट थी, कैंटीन अटेंडेंट की 10th बेस पे। फ्रेंड्स, हम स्टूडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और फ्रेंड्स, आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने हैं एग्जाम सेंटर पे, तो हम सारे डिस्कस इसी एक वीडियो में कर लेंगे, ठीक है? आपका ज़्यादा समय ना लेते, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे गूगल पे यहाँ पे आपको फिलअप करना है sarkaririzult.com। आपको ये साइट ओपन कर लेनी है, ठीक है? तो मैं जब यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये साइट डायरेक्टली ओपन हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक में HTTP आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर, मैंने डायरेक्ट लिंक में ये मतलब फिलअप कर दिया अभी, ठीक है? तो आप इसको साइट पे आ जाना है। मैं साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? sarkaririzult.com पे इसको साइट पे आके आप फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे 5 नंबर पे SSC सिलेक्शन पोस्ट 4th एडमिट कार्ड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। जब आप यहाँ पे क्लिक कर लें फ्रेंड, आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट SSC वेरियस सिलेक्शन पोस्ट पेज 4th एग्जाम डेट, और फिर नीचे आ जाइए। आप फ्रेंड्स देख रहे हैं एप्लीकेशन बिगिंग, आपके आपने फॉर्म 5 तारीख को भरे थे, ठीक है? 9वें महीने में फ्रेंड्स, ठीक है? क्योंकि तो लास्ट डेट आपकी थी 12 तारीख की थी 10वें महीने की। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एग्जाम डेट आपका जो पेपर दोस्तों 16 और 18 जनवरी को पेपर होना आपका इसका ही, ठीक है? तो आज 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 जो आपके इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इस साइट पर आना पड़ेगा, ठीक है? पोस्ट की बात अगर करें, इसमें आपकी जो पोस्ट थी 1136 पोस्ट थी, वैकेंसी डिटेल्स 1136 थी आपकी आपकी जिसमें एज मांगी गई थी 18 से 23 ईयर आपकी इसमें एज मांगी गई थी, ठीक है? इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे पोस्ट आपको दी गई है यहाँ पे साइड में, ओके? अच्छा, आ जाइए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंटीन अटेंडेंट, ये फॉर्म जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स 10th बेस भी था, +2 पे भी था, ठीक है? तो फ्रेंड्स कई मतलब मेरे फ्रेंड्स ने ये पोस्ट भरी है, ठीक है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th हाई स्कूल, ये जो इसमें कैंटीडेंट की पोस्ट है जो NR की फ्रेंड्स, ठीक है? NR है ये नॉर्थ रेलवे मतलब नॉर्थ जोन की, तो इसमें 115 पोस्ट थी, इसमें 115 पोस्ट टोटल, ठीक है? तो फ्रेंड्स आप इसे देख रहे हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड CR, जो भी CR जोन से आते हैं वो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, और जो भी NR से हैं बाकी अदर इससे अलावा मतलब रिलेटेड मतलब जोन से आते हैं वो आपको नीचे लेवल पे क्लिक करना पड़ेगा, नीचे वाले पे, ठीक है? देख रहे हैं क्लिक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपके सामने कुछ ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, जो फ्रेंड्स इस स्टेट के मतलब दायरे में आते हैं, ठीक है? तो आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे, ठीक है? फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड फॉर सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन पेज 4, तो आपको इसके ऊपर फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। जिसने फ्रेंड्स 10th बेस पे फॉर्म फिलअप किया था कैंटीन अटेंडेंट का, वो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेगा, जिसने +2 लेवल पे किया था, और फ्रेंड्स सेकंड पे जिसने ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म फिलअप किया था ये, ठीक है? वो थर्ड लेवल पे क्लिक करेगा, ठीक है? तो मैंने ये जो एडमिट कार्ड हम डाउनलोड करेंगे अभी, हम ओनली 10th बेस पे जो हमने कैंटीन अटेंडेंट का फॉर्म भरा था फ्रेंड्स, ठीक है, कैंटीन अटेंडेंट का, हम उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो मैं फर्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी हो तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी भर के डेट ऑफ बर्थ भर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके पास रोल नंबर हो तो आप रोल नंबर भर के अपने डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना रोल नंबर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? अपना एडमिट कार्ड। और फ्रेंड्स अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, ना आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है ना रोल नंबर है, तो आपको थर्ड वाले लिंक पे आ जाना है। यहाँ पे देख रहे हैं इफ़ यू डू नॉट नो योर रोल नंबर, आपको रोल नंबर डाउनलोड करने यहाँ पे आना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको नाम फिलअप करना है, ठीक है? मैं अपना नाम फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे देख रहे हैं फ्रेंड्स फादर नेम, फादर नेम डाल देना है। फादर नेम डालने फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सर्च स्टेटस, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं एडमिट कार्ड फॉर सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन पेज 4, ठीक है? आपको आप इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है? आपका यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, नेम दिया गया है, ठीक है? फिर आपकी DOB आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? सब्जेक्ट आपका 10th बेस पे है, ओके? और फ्रेंड्स देख रहे हैं डुप्लीकेट एडमिट कार्ड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ चुका है, ठीक है? आपको इस प्रकार अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ओके? और आपको अपने एग्जाम सेंटर जानने के फ्रेंड्स आप नीचे आ जाइए। आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉर्निंग टाइम आपको यहाँ पे इसमें मतलब कि अपना एडमिट कार्ड क्या कहते हैं एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा यहाँ पे,
और इससे आप अपना जॉब का रिपोर्टिंग टाइम है, आपको किस टाइम वहाँ पे एंट्री करनी है, आप सब कुछ यहाँ पे देख सकेंगे। अब आपका जो टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो पेपर होना है, कौन सी डेट में होना है, सब कुछ आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अपना नाम यहाँ पे आप जांच लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कोई फॉर्म में मिस्टेक ना हो तो फ्रेंड्स ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। दोस्तों अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड आप मुझे कोई भी न्यूज़ चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी बात में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए फ्रेंड्स, मैं आपका जवाब पक्का दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।